जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जो भी हमारे साथी नए साथी हैं वो सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस को ऐप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, है ना। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर या फिर दोस्तों KBS LT ग्रेड DSSB आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस है जिसको आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इसमें आप 1500 में 12 महीने पढ़ सकते हो दोस्तों, 1500 में 12 महीने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। जो भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर से पढ़ना है वो सभी साथी 599 में 4500 क्वेश्चन की PDF प्लस 2000 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के इसमें 6500 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप सभी, ठीक है। और अब दोस्तों आप घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है। हिंदी साहित्य के जिन भी साथियों को ये नोट्स चाहिए, टर्की नोट्स चाहिए है, वो सभी साथी घर बैठे मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और ये नोट्स एक सप्ताह में आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है बताइए, एक नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करते हुए शेयर करना है, आगे बढ़ना है हमारे सभी साथी, बताओ। शालीभद्र सूरी, जिनको कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, शालीभद्र सूरी, इनकी रचना कौन सी है? एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन है या फिर कंठ है, बताइए। प्रश्न क्रमांक दो, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको चयन करना है। मायाराम जी बताइए, बंदरा जी, सिमर पाल जी, सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर पा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है, और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर जो पा ध्वनि है ये ओष्ठ है, यानी बी नंबर ओष्ठ है आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर है। संत काव्य नाम किसने दिया है बताओ, संत काव्य नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, संत काव्य नाम किसने दिया, सभी लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक, साथियों जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी दोस्तों यहां पर पढ़ रहे हैं हमारे साथी। रोज एक क्लास होती है दोस्तों रात्रि 9 बजे। अब आपको यहां पर पूछा गया है कि संत काव्य नाम किसने दिया, आचार्य शुक्ल ने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दिया, राम कुमार वर्मा ने दिया या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने दिया? उत्तर जा रहा है कि सर संत काव्य जो नाम दिया है वो दिया है राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा, यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। पैरों तले की जमीन नाटक किसका है? पैरों तले की जमीन नाटक किसका है? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी या फिर विनोद रस्तोगी? पैरों तले की जमीन। पूजा देवी जी बताइए, अनुज ठाकुर जी, राशिद कुरैसी जी, प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का क्वेश्चन है। पैरों तले की जमीन नाटक एक किसका माना जाता है, किसका माना जाता है? संदीप विश्वकर्मा जी, पैरों तले की जमीन, और आपका राइट आंसर हो गया कि सर मोहन राकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई, किसके? मोहन राकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई, ये नंबर। जनता जनार्दन बिल्कुल सही जा रही है। कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाता है? ऐसे कितने साथी हैं जिनको हिंदी साहित्य के नोट से अपने घर पर मंगवाना है बताइए, कूप मंडूक होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में ही रहना, कुएं में गिरना अत्यंत सीमित ज्ञान होना या फिर मूर्ख होना? कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और जनता जनार्दन कहां जा रही, जनता जनार्दन सी की तरफ, बहुत बढ़िया, अत्यंत सीमित ज्ञान होना सी नंबर करेक्ट आंसर।
निम्न में से किस उपन्यास का कथानक, किस उपन्यास का कथानक दोस्तों भारत पाक विभाजन पर आधारित है बताना है। बताओ भारत विभाजन पर आधारित है, झूठा सच तमस ये नहीं है पूछा, सॉरी ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है, नहीं है पूछा है 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी देख चुके हैं सर, झूठा सच भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है, तमस भी भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है भीष्म साहनी का, आधा गांव राही मासूम रजा का भारत विभाजन पर आधारित है, ये कर्म भूमि नहीं है। डी नंबर है जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह फांसी का प्रकाशन वर्ष बताना है, बताइए फांसी का प्रकाशन कब हुआ। 7 नंबर का क्वेश्चन है आंसू गोंडवाल जी, चयन करिए 7 नंबर के क्वेश्चन में, और 7 का उत्तर आपका यहां पर क्या हो जा रहा है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है फांसी, फांसी कहानी संग्रह ये भी पूछा जाता है अर्चना जी श्रीवास्तव, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर 7 नंबर में आपका उत्तर है 1929, ये भी आपका 1929 यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1929 सही हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। 8 नंबर का क्वेश्चन कौन सा कारक है, करण है अपादान है संप्रदान है या फिर कर्म कारक है। गरीबों को वस्त्र दो कौन सा कारक है, अमन जी बताइए, सुनीता जी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर शेयर कर दीजिए सभी साथी, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपने उत्तर बता दिया जनता जनार्दन ने कि सर यहां पर अपादान कारक है, अपादान कारक है गरीबों को वस्त्र दो, संप्रदान है क्या कि अपादान है। कंफर्म कर लो सभी लोग, भस्मांकुर रचना के लेखक कौन है जल्दी से बताइए, भस्मांकुर के रचनाकार कौन है, भस्मांकुर बताइए। भस्मांकुर 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चयन करिए जल्दी से। तो भस्मांकुर है किसकी, नागार्जुन की रचना है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जिन्होंने लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये वालों का आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, नागार्जुन भस्मांकुर 9 नंबर में, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, और ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उज्ज्वल में बताना है जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 10 नंबर है, 10 का उत्तर आपको चयन करना है, बताएं फटाफट से बताना है राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर के क्वेश्चन में, लाइक कर दीजिए सभी साथी, बताइए सभी लोग बताएंगे यहां पर, या अनुरागी चित्त की यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया कि सर यहां पर संप्रदान कारक ही होगा अपादान नहीं होगा, यानी कि आपका जो यहां पर सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताना है 10 नंबर के क्वेश्चन में, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सभी लोग बताएं, 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये विरोधाभास है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना, मौलिक नाटक बताना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है ये आपको बताना है, चयन करना है, बिल्कुल सही है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, है ना, बिल्कुल सही है। संप्रदान किसी को कुछ देने के लिए, संप्रदान को के लिए,
को के लिए, है ना, अपन पढ़ते ना संप्रदान को के लिए, यानी कि किसी को कुछ देने के लिए जब दोस्तों प्रयोग होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है, 11 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर वो माना है नहुष को। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ जल्दी से, और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो फटाफट से, शेयर भी कर देना अपने सभी साथियों को, बताएं जल्दी जल्दी से। फटाफट से 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, 12 नंबर है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते अगर होता है ना तो वो अलग होने के लिए होता, यहां पर देने के लिए है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील पूछा है, तो स्टील के बाल लगवाना है, बाल तो बालकर्ण भट्ट, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जंगल का पर्यावाची नहीं है पूछा है, 13 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएं जनता जनार्दन कहां जा रही है, 13 नंबर के क्वेश्चन में जंगल का पर्यावाची नहीं है तो क्या नहीं है बताओ। सही आंसर चयन करना है, बताएं विजय गुप्ता जी, जंगल का पर्यावाची कौन सा नहीं है, वन है, कानन है, अरंड है, बगीचा भी है क्या बताओ, 4 नंबर है, 4 नंबर में जनता जनार्दन कहां जा रही है, जनता जनार्दन एक मत है और एक मत है डी की तरफ, बहुत बढ़िया, डी नंबर बिल्कुल सही है। सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर बताओगे। देखते हैं जनता जनार्दन कहां कहां अटक रही है, रीना मंडयाल जी, छोटे लाल यादव जी बताइए, मंजू लोधी जी बताएं, पूनम जी राइट आंसर क्या है यहां पर, रंजना जी, अनामिका राय जी, सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को जनता जनार्दन, कुछ सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, यही तो गड़बड़ होता है अपनी क्लास में, कुछ ए की तरफ भी जा रहे हैं, 14 में बिस्कंबक बोल रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत बढ़िया, कुछ बिस्कंबक बोल रहे हैं, कुछ चूलिका बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं अर्थोपक, है ना, लेकिन आपका उत्तर जा रहा है कहां की तरह, सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को कहा जाता है अर्थोपक, यानी कि डी नंबर, डी नंबर जिन्होंने बताया है जनता जनार्दन सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी की प्रथम सूच्य वस्तु कब कहा गया, सूच्य वस्तु की, ठीक है, तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, आज ही पढ़ा था आपने, उसके रचनाकार भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, आंसर चयन करना है, लाइक कर देना है, राकेश यादव जी सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दो सभी साथी, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, और आपका सही उत्तर चला जाता कि सर वो वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, सही है, बिल्कुल सही, एक मत जा रही जनता जनार्दन, चंद्रलोक की यात्रा, रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है, ये नंबर तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, शेयर भी कर दिया करें सभी साथी, लाइक भी कर दिया करें, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है, एक आसान सा और दोस्तों बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है 16 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो है शिवसेन सेंगर, जिन्होंने शिवसेन सरोज की रचना की थी, और कब की थी, कब की थी शिवसेन सरोज की रचना ये भी बताइए जल्दी से, ये प्रथम वृत्त संग्रहकार माने जाते हैं, ठीक है। वीरेंद्र पटेल जी बहुत बढ़िया, कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है, अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है, 17 नंबर के क्वेश्चन में बताना है आपको, सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर परमानंद दास। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें, लाइव क्लास और लाइव दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से नया बैच, यानी कि हिंदी भाषा से शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा। पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, अष्टछाप का कवि नहीं है,
17 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ 17 नंबर में बताइए। और उत्तर हो जाएगा आपका कि सर तुलसीदास लगा दो, सी नंबर लगा दो, है ना, छाप का कवि नहीं है, सूरदास है, नंददास है, परमानंददास है, तुलसीदास नहीं है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है बताइए, चाय, रिक्शा, कमरा या फिर कैची, तुर्की शब्द कौन सा है, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। 18 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से बताइए, छुटके, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है ये पूछा गया आपसे, और 18 नंबर में उत्तर चला गया कैंची। कैंची यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नंबर। रंग शीर्ष के पीछे का अदृश्य भाग क्या कहलाता है दोस्तों, रंग शीर्ष के पीछे का भाग, अदृश्य भाग क्या कहलाता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। रंग शीर्ष के पीछे का अदृश्य भाग क्या कहलाता है, नेपथ्य, रंगपीठ, स्वागत या फिर सर्वश्राव, यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, और 19 नंबर में आपका उत्तर रंग शीर्ष के पीछे का भाग, अदृश्य भाग क्या कहलाता है बताइए। जनता जनार्दन कहां जा रही 19 नंबर के क्वेश्चन में, बिल्कुल सही जा रही, बोले सर नेपथ्य लगा दो, नेपथ्य लगा दें, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है, आपको चयन करना है 20 नंबर के क्वेश्चन में, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा, एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार कमेंट में जल्दी से बताएंगे और लाइक कर दीजिए सभी लोग। आचार्य शुक्ल को मार्कंडे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर राम विलास शर्मा, यानी कि प्रश्न आपका 20 नंबर है, 20 नंबर में आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है। 20 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है मार्कंडे वाजपेयी, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। हो होरी रचना के लेखक कौन है, हो होरी रचना के लेखक कौन है, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, 21 नंबर के क्वेश्चन में बताइए हो होरी रचना के लेखक कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं 21 नंबर में। और हो होरी 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया, जनता जनार्दन जा रही बी की तरफ, यानी कि अंबिका दत्त व्यास, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें दोस्तों अगला अंक प्रारंभ होने का संकेत हो, अगला अंक प्रारंभ होने का संकेत हो, उसे क्या कहते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगला अंक प्रारंभ होने की सूचना हो उसे क्या कहते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में अंकाश, अंकावतार, चूलिका या फिर विश्वकंभक, देखते हैं कौन कौन इसमें सफल होता है 22 नंबर के क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगला अंक प्रारंभ होने की सूचना होती है उसे क्या कहते हैं। लखविंदर जी अंकावतार बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, और बताइए। जनता जनार्दन बी की ओर जा रही है, कुछ लोग ए की ओर जा रहे हैं, है ना, और जो बी की ओर जा रहे हैं वो उनका सवाल गलत है, ठीक है। सही क्या है फिर, ए नंबर है, यानी कि अंकाश। यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगला अंक प्रारंभ होने का संकेत हो उसे हम अंकाश कहते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन, क्या अंकाश कहते हैं क्या, बहुत बढ़िया। अगला, तांबे के कीड़े एकांकी नाटक के लेखक कौन है बताइए। प्रश्न क्रमांक 23 नंबर का क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े एकांकी नाटक के लेखक कौन है,
भुवनेश्वर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश, बताइए जल्दी से। नीतू गुप्ता जी, सभी लोगों को बताना, तांबे के कीड़े एकांकी नाटक के लेखक कौन है, और देखते हैं जनता जनार्दन कहाँ जा रही है। सही आंसर बताना है, चयन करना है, और बिल्कुल लगभग सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि सर भुवनेश्वर भुवन बनाना है तांबे के कीड़ों से, तो वेरी गुड। जिंदगी लहलहाई निबंध के लेखक कौन है, अब देखो कौन कौन सही बता रहा है। ममता रानी जी, आनंद जी, पुष्पा जी, सुनीता जी, जिंदगी लहलहाई निबंध के निबंधकार कौन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और आपको पता है अपन ने पढ़ा भी था कि सर अगर कन्हैया जी आ जाए तो जिंदगी लहलहा जाएगी, लहलहा जाएगी, तो जिंदगी लहलहाई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डी नंबर आपका सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। अफसर की मौत रचना के लेखक कौन है, अफसर की मौत रचना के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। और बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाइक कर दो सभी साथी, जिन भी साथियों को न्यू बैच में एडमिशन लेना है बिल्कुल भी ना चूके, अच्छा मौका है, अभी आप एडमिशन ले सकते हो साथियों, ठीक है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी नोट्स मंगवा सकते हैं, ट्रिकी नोट्स, बम्पर नोट्स दोस्तों, ठीक है। अफसर की मौत रचना के लेखक कौन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 में आपका सही उत्तर हो रहा है कि सर गोपाल चतुर्वेदी, ठीक है, गोपाल चतुर्वेदी बता दिया है लखविंदर जी ने, बहुत बढ़िया, ये नंबर सही है। नेक्स्ट, राखी बंद भाई कहानी के कहानीकार कौन है, राखी बंद भाई कहानी के कहानीकार कौन है, आज ही पढ़ा था आपने राखी बंद भाई, अब अगर भूलोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। एक रक्षाबंधन कहानी है, एक राखी बंद कहानी है, तो राखी बंद भाई कहानी एक रक्षाबंधन कहानी भी है, लेकिन रक्षाबंधन विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की है ना, क्योंकि रक्षाबंधन विश्व में मनाई जाती है, लेकिन राखी बंद भाई ये वृंदावन लाल वर्मा, बंदा बंदा नवाज आ गया याद, बी नंबर आपका राइट आंसर। डाक बंगला रचना के लेखक कौन है, यशपाल है, कौशिक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, कमलेश्वर है, जल्दी से बताइए, लाइक करिए फटाफट से, डाक बंगला रचना के लेखक कौन है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर चयन करेंगे। डाक बंगला सृजन कुमार जी बताइए, रजनी जी, क्षमा नायक जी, डाक बंगला पूछा है आपसे और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, तो उत्तर हो जाएगा कि सर कमल खिलाना, कमल, कमलेश्वर, डी नंबर, वेरी गुड। वह कथांश जिसे कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहे, जिसे कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहता है, जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुने उसे क्या कहते हैं। वह कथांश जिसे कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहता है, जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुने। आपने देखा होगा कई बातें आप गुनगुना लेते हो आराम से मन से, तब बाजू वाला कहता है क्या कहा, तब आप बोलते हो कुछ नहीं, है ना, तो बताइए जल्दी से उस क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कोई चीजें जैसे बाजू वाला बहुत खतरनाक है और आप उसको मन ही मन में गाली दे रहे हो, है ना, तो आप गाली तो देते हो, उसको थोड़ी सी झनक पड़ जाती, बोले क्या कहा आपने, बोले कुछ नहीं, है ना, तो वो कि भाई कथा जैसे कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहता है कि किसी और को सुनाई नहीं देता तो उसे क्या कहते हैं, वो पूछा गया 28 नंबर का क्वेश्चन। जनता जनार्दन कहां जा रही है, जल्दी से बताइए और लाइक भी करिए कि सर उसे स्वागत कहा जाता है, स्वागत यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पीहू शर्मा जी संपर्क कर सकते हो, प्राणों का सौदा रेखा चित्र संग्रह के लेखक कौन है, प्राणों का सौदा, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है आपको। श्रीराम शर्मा, जगमोहन से, देवकी नंदन कत्री या फिर गोपाल राम गहमरी, चयन करिए जल्दी से। कमला कांत जी, तनु जी, 29 नंबर के क्वेश्चन में वीरेंद्र पटेल जी, संदीप विश्वकर्मा जी, रश्मि पाठक जी, प्राणों का सौदा रेखा चित्र इसके रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से बताएं। जल्दी से बताओ, प्राणों का सौदा
तो आपका प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुड़ मुड़ के देखता हूं आत्मकथा के लेखक कौन है, मुड़ मुड़ के देखता हूं आत्मकथा के लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय, राजेंद्र यादव, श्री राम शर्मा या फिर यशपाल। जल्दी से बताएं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर में आपको बताना है। मुड़ मुड़ के देखता हूं, बताइए, आपको मैंने बताया था कि मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की क्या थी, पत्नी थी, पत्नी थी। अब दोनों अलग अलग हो गए, मान के चलो कि आपकी कोई पत्नी होगी, पत्नी ने कह दिया कि आप अलग रहो हम अलग रहे, अब दूसरे है ना एक दूसरे के विपरीत रास्तों में चल जाते हैं, तो क्या हो रहा था, आप लोग मुड़ मुड़ के देखते हो, मुड़ मुड़ के राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ के देखते हैं राजेंद्र यादव किसको, मन्नू भंडारी को, मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव, ठीक है। चितवन के फूल, अब चितवन की छाह नहीं पूछा गया यहां पर, यहां पर चितवन की बताओ, चितवन के फूल पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चितवन की छाह नहीं पूछा, वो चितवन का चितवन की छाह ललित निबंध है ये, यहां पर चितवन के फूल आपसे पूछा गया। तो बताइए राजकुमारी जी, कमलाकांत जी, प्रश्न क्रमांक 31 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 31 नंबर में देखते हैं कौन कौन बता रहा है चितवन के फूल। और सर हमें माधव के प्रसाद में, जनता जनार्दन कहां जा रही, डी नंबर, बहुत बढ़िया, माधव के प्रसाद में चितवन के फूल मिल गए, माधव के प्रसाद में क्या मिल गए, चितवन के फूल मिल गए, डी नंबर आपका चितवन के माधव प्रसाद बिल्कुल सही है ना। मिट्टी और फूल, ये किसकी रचना, मिट्टी और फूल भी पूछ लिया गया, अभी चितवन के फूल पूछा था, अब मिट्टी और फूल पूछ लिया गया। सभी लोग बताए, रजनी जी बताइए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी चूकना नहीं है, सभी साथी नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया, 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें एडमिशन जरूर लीजिए। मिट्टी और फूल, इसके रचनाकार कौन है, ये रचना किसकी है, ये आपसे पूछा गया। किंग जी बताइए 23-32 नंबर के क्वेश्चन में, और बोले सर ये नरेंद्र शर्मा की रचना है, मिट्टी और फूल, नरेंद्र शर्मा, सी नंबर नरेंद्र शर्मा सही है। भारत की सबसे छोटी इकाई किससे, सॉरी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण या अक्षर को। देखते हैं जनता जनार्दन कहां कंफ्यूज होती है, कहां गड़बड़ करती है ना। रीता कांत जी बताइए, बताएं। सतगौर सिंह जी, आरती वर्मा जी, पिंकी जी बताइए राइट आंसर। सिद्धि एजुकेशन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और जनता जनार्दन बिल्कुल डी की तरफ, बहुत बढ़िया, डी नंबर, वर्ण या अक्षर, डी नंबर। जैनेन्द्र कुमार को किस उपनाम, किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जैनेन्द्र कुमार के लिए किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। सभी लोग लाइक जरूर कर दो, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए है ना, और बताइए जैनेन्द्र कुमार को। आप दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर HPLT या फिर उत्तराखंड LT की तैयारी कर रहे हैं, या LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज ही एडमिशन लें, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। जैनेन्द्र कुमार को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 34 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर चला जाता कि सर मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास, ये नंबर सही। हरिशंकर बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को किस साहित्यक वाद का प्रवर्तक माना जाता है, बताओ किस साहित्यक वाद का प्रवर्तक माना जाता है, ये 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे, बताइए विकी जी, पूर्णिमा जी, राइट आंसर यहां पर आपका निर्मला यादव जी, पूनम जी बताओ सही आंसर बताना है, और अनिल तिवारी जी 35 नंबर के क्वेश्चन में बताएं, और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर हरिवंश राय बच्चन को किस साहित्य बात का, तो हालाबाद, हाला से हल्ला और हल्ला करते हैं बच्चन, तो बच्चन से हरिवंश राय बच्चन, यानी बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों मिला है, बताओ किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है,
मनोहर श्याम जोशी को, अरुण जी बताइए, राजीव जी, सुनीता जी, सभी लोग बताएंगे। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, तैयारी निरंतर चलनी चाहिए। दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 36 नंबर के क्वेश्चन में बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर चला जाता कि सर क्या आप लगा दो, क्या आप जोश में हैं, क्या आप जोश में हैं, तो जोश से बनेगा जोशी। क्या आप जोश में? बोले सर हाँ हम जोश में हैं। जोश में है नितेंद्र जी, बी नंबर करेक्ट राइट आंसर है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? 37 नंबर का क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि पूछा गया। जैनाचार्य मेरुतुंग है, शारिभद्र सूरी है, ये आपको बताना है। धनपाल है, कवि आसगु है। प्रबंध काय का प्रबंध करना है? बोले सर मेरु का प्रबंध करिए, आज मेरु का प्रबंध करना है। तो मेरु से क्या हो जाएगा? मेरु से होगा दोस्तों मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग माने जाते हैं प्रबंध चिंतामणि के रचयिता, ये नंबर करेक्ट है। अलका सराबगी को किस उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ अलका सराबगी को किस उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? कलिकथा वाया बाईपास के लिए, शेष कादंबरी कोई बात नहीं एक ब्रेक के बाद। 38 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है अलका सराबगी को किस उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार मिला है। 38 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, और 38 में आपको पता है कि सर अलका का पलका बाईपास में डला है, बाईपास है ना, तो कलिकथा वाया बाईपास इसके लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला। ये उपन्यास अलका सराबगी का है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? बोले सर आलोक पर्व की बात करते हो, वंदना जी बताइए, सौरभ जी बताइए, राधिका जी, क्या है आलोक पर्व? आलोक पर्व बताना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है आपको ऐप है दोस्तों, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस बताना है। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया किरणा देवी जी, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है साहेब भट्ट जी। और आलोक पर्व तो बोले सर हजारों आते हजारों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये नंबर करेक्ट आंसर है। जहां किसी वस्तु को देखने पर संशय की स्थिति दोस्तों बनी रहे, निश्चित ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि संशय की स्थिति अंत तक बनी है, वहां कौन सा अलंकार होता है? 40 नंबर का देखते हैं, जनता जनार्दन कहां कहां सही उत्तर बता रही है, कहां कहां जा रही है। जहां किसी वस्तु को देखने पर संशय की स्थिति बनी रहे, वहां कौन सा अलंकार होता है? एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से लाइक भी कर दो सभी साथी हमारे। संदेह अलंकार है, विभावना भ्रांतिमान कौन सा अलंकार है? अब यहां पर भी कई लोग संदेह और भ्रांति में चले जाएंगे, तो बहुत सारे साथी सी बता रहे हैं, कुछ साथी ए बता रहे हैं, और जिन भी साथियों ने ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो संदेह अलंकार यानी कि इसमें दोस्तों संशय की स्थिति अंत तक बनी रहती है। नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, यानी कि अंत तक संदेह की स्थिति बनी रहती संदेह अलंकार में। और भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है कि नहीं, ये पेन लिए हाथ में, भ्रम पक्का हो गया कि ये तो पेंसिल ही है, ये पेंसिल है, ये संशय नहीं, ये भ्रम पक्का हो गया। ठीक है, ये नंबर सही है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-12 की अति से कुल 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु आना आवश्यक हो, वहां कौन सा छंद होगा? जल्दी से बताइए, 41 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं, रोली सिंह जी, नीलम पटेल जी, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए। 41 नंबर का वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से बताइए। रचना गुप्ता जी बिल्कुल बताइए, 41 नंबर के क्वेश्चन में 41 का राइट आंसर पूछा है, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, और बहुत सारे साथियों ने बताया हरि गीतिका, तो हरि गीतिका हम भी मान लेते हैं, यहां कोई बात नहीं,
सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक कौन सा है? लक्ष्मी नारायण लाल जिन्होंने दोस्तों 11 वर्ष के समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है ना, जिसका रचना काल माना जाता है 1903। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक कौन सा है? एक अच्छा क्वेश्चन है 42 नंबर के क्वेश्चन में। बोले सर लक्ष्मी नारायण का लाल पहले अंधा कुआं में गिरा था। पहले कहां गिरा था? अंधे कुआं में गिरा था। लक्ष्मी नारायण का लाल पहले गिरा था अंधे कुआं में, तो अंधा कुआं इनका पहला नाटक है। ये नंबर जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर वेरी गुड। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सभी लोग बताएं राइट आंसर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चार विकल्प है, चार में से चयन करना है। लाइक जल्दी से बिल्कुल चाहिए राजकुमारी जी, एक सप्ताह में नोट्स मिल जाएंगे। एक सप्ताह में जिन भी साथियों को नोट्स परचेज करना है, एक सप्ताह में आपके घर तक पहुंचेंगे, है ना, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचेंगे। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है, उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। मतलब जनता जनार्दन बी की तरफ जा रही है, तो हम भी बी ही मान लेते हैं, बी नंबर आपका सही है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद, ये तो लगभग सभी से बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर सुनीता कुमारी जी। देखते हैं नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। नीला चांद उपन्यास आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है दोस्तों, नीला चांद आपसे पूछा गया है। लाइक कर दो सभी साथी और शेयर भी कर देना हमारे साथी। नीला चांद क्या है इसका? शिव प्रसाद, बिल्कुल सही। और सर शिव का प्रसाद लगा दो, ये नंबर आप करेक्ट लाइन से लगा दो। एक छेक का विलोम क्या होगा? एक छेक का विलोम स्वेच्छेक, वैकल्पिक, मौखिक, कौन सा हो जाएगा? एक छेक का विलोम आपको चयन करना है। एक छेक का विलोम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतना अच्छा क्वेश्चन, अनिवार्य, स्वेच्छेक या फिर वैकल्पिक, और उत्तर आपका चला गया कि सर बिल्कुल सही आंसर पूछा है, ऐच्छिक का होता है अनिवार्य। जनता जनार्दन एक की तरफ जा रही है। नीरजा काव्य पर महादेवी को 1934 में कौन सा पुरस्कार मिला था? नीरजा काव्य पर महादेवी को कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद, पारितोषिक, सेक्सरिया, कौन सा पुरस्कार मिला? और उत्तर हो जाएगा कि सर जो नीरजा है, निहार रस नीरजा रश्मि सांदगीत दीपशिखा सप्तपर्णा यामा, ये जो रचनाएं हैं ये महादेवी की है, 1907 में जन्म हुआ था, इनको मिला था कौन सा पुरस्कार? 6 नंबर के क्वेश्चन से 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर आपका हो गया कि सर इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। डी नंबर बताया है श्वेता जी ने, वेरी गुड। सेक्सरिया पुरस्कार हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? 47 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सौरभ वर्मा जी, बीनू जी बताएं, शिव कुमार जी, सभी लोग बताना है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी देर ना करें, नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? करुणालय, जानकी मंगल, अंधे नगरी या फिर एक घूंट। और सभी लोगों को पता है कि सर वो नाटक है हिंदी का प्रथम नाटक, और वो नाटक कौन सा है फटाफट से बताना है, और एक बार शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रगण, शेयर कर दीजिए। और वो नाटक है कौन सा? जानकी मंगल, यानी कि बी नंबर आपका जानकी मंगल बिल्कुल सही है। जानकी मंगल जिन्होंने लगाया, चित्त कोबरा रचना किसकी है? चित्त कोबरा किसकी रचना मानी जाती है? मृदुला गर्ग, विनोद कुमार शुक्ल, गोविंद मिश्र, सूर्यवाला बताएं। रुद्रा सिसोदिया भी आ गए, बहुत बढ़िया रुद्र जी, वेलकम वेलकम वेलकम। वंदना जी बताएं, रमेश जी, चित्त कोबरा रचना किसकी मानी जाती है? 48 नंबर के क्वेश्चन में। और बोले सर चित्त कोबरा, कोबरा बोले सर बड़ा मृदुल होता है, होता है क्या मृदुल? मृदुल होता है क्या कोबरा? बताओ जल्दी से, कोबरा मृदुल होता है? बोले सर कोबरा मृदुल नहीं होता, मृदुल बना देता है फिर आदमी को मृदुल ही बना देता है। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर मृदुला गर्ग, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। कौन जैन संत स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे, या अभिमान मेरु किसने, स्वयं को किसने अभिमान मेरु कहा है,
या अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन है विनोद कुमार जी, आलोक सिंह जी बताइए, नीलम जी 49 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, हिंदी भाषा से आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से। तो यहाँ पर जैन संत स्वयं को अभिमान मेरु कहा कहते थे, वो कौन है? उत्तर हो जाएगा कि सर पुष्प दंत है। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। जहां वस्तु को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर बताना है कौन सा अलंकार होगा। जहां वस्तु को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए। पूजा जी सभी लोग बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। लाइक आंसर करना है, जल्दी से बताओ। जहां वस्तु को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, इतना अच्छा क्वेश्चन। और सभी लोगों ने बताया कि सर इस नंबर में आप अतिशयोक्ति लगा दो, ये नंबर लगा दो जो कि बिल्कुल सही है। जहां वस्तु को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। संध्या गुप्ता जी ठीक है, बहुत बढ़िया। जनता जनार्दन ने बहुत मेहनत की है आज, ठीक है, उनके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1500 में 12 महीने का ये ऑफर चल रहा है। KBS वाले छात्र, LT ग्रेड वाले छात्र, TGT PGT वाले साथ, DSSB और दोस्तों हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले छात्र, सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पंजाब मास्टर कैडर के लिए जिनको भी दोस्तों मॉडल पेपर परचेस करना है, 30 मॉडल पेपर, वो 599 में कर सकते हैं तनु जी, ठीक है। और जिन भी साथियों ने जिनको नोट्स मंगवाना है वो नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। नोट्स मंगवाएं और दोस्तों पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, ठीक है। ये बढ़िया से नोट्स आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से यथावत पढ़ते रहना है, अध्ययन करते रहना है, ठीक है। और दोस्तों बने रहना है सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहना है, ठीक है, और अध्ययन जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, जिनका आपने बहुत ही संघर्ष के साथ उत्तर दिया है, बहुत ही लगन के साथ दिया है। ज्ञानेश जी, रीता जी, रेखा जी, मुकेश जी, संदीप जी, मनप्रीत जी, आनंद जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजिया जी है ना, पूजा जी, आरती वर्मा जी, मधु जी, उपमा जी, गुरप्रीत जी, रवि जी, राशिद जी, निर्मला, राहुल जी, ममता जी, विकास जी, रमेश, अनुराग जी, रेखा जी, अनीता जी, पूजा राणा जी, बिंदु लता जी, ज्ञानेश जी, पुरोहित जी, अर्पिता, सोनू, KM जी, दिल सेहत जी, वंदना जी, विकास जी, कल्पना और रवि जी, विश्वास मलिक, तनी जी, राकेश पटेल जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।